कश्मीर दौरे के आखिरी दिन गृह मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम महबूबा मुफ्ती ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गृह मंत्री ने कहा कि उन्होंने 20 प्रतिनिधिमंडल से बातचीत की है। सभी लोगों ने एक सुर में कहा कि धरती की जन्नत कश्मीर में आम लोग शांति चाहते हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि वो पहले भी कह चुके हैं कि कश्मीर के युवाओं के हाथ में कलम, किताब और कंप्यूटर की जरूरत है। उनके हाथों में बंदूक और पत्थर नहीं होने चाहिए। कुछ लोग युवाओं को गुमराह कर रहे हैं, जिन्हें चिन्हित करने की जरूरत है। कश्मीर के सीएम महबूबा मुफ्ती ने बताया कि राज्य की 95% आबादी शांति चाहती है। कुछ लोग हिंसा के रास्ते पर चल रहे हैं और इन 5% लोगों से सख्ती से निपटेंगे। सीएम महबूबा मुफ्ती ने आगे कहा कि 2010 में घाटी में जो हुआ वे हालात अलग थे। आज अगर एक आतंकी एनकाउंटर में मारा गया और उसके बाद जो हालात पैदा हुए वे अलग हैं। पथराव और कैंपों पर हमला करने से कोई मसला हल नहीं होगा। इससे पहले बुधवार को राजनाथ सिंह ने राजनीतिक दलों के साथ साथ आम लोगों से भी मुलाकात की थी। गृह मंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया है कि केंद्र सरकार संविधान के दायरे में बातचीत करने को तैयार है। सरकार आम कश्मीरियों के सुख दुख में बराबर की भागीदार है, लेकिन हिंसा की इजाजत नहीं दी जा सकती। तो साफ है कि कश्मीर में शांति बहाली के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है और इसीलिए 1.5 महीने में दूसरी बार राजनाथ सिंह कश्मीर आए और अब घाटी के हालातों की रिपोर्ट पीएम मोदी को सौंपेंगे। देखते रहिए टीपी लाइव।